हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइजेस। आज हम इस लेक्चर में करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जिसके बाद हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 5। ओके, तो इस लेक्चर में हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले करना है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले चैप्टर अच्छे से देख कर आइएगा। चैप्टर समझ में आएगा तभी आप आगे का कंप्लीट समझ पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एनोड रेज? एनोड रेज क्या होती है? एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। एनोड रेज में एटम्स के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती है, है ना। एनोड रेज में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोटॉप्स? गिव एन एग्जांपल। आइसोटॉप्स क्या होते हैं उसका एग्जांपल दीजिए। आइसोटॉप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर्स। आइसोटॉप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। दो टर्म्स पढ़ाए थे चैप्टर में, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स, तो उन्हें याद रखना है। आइसोटॉप्स में क्या होता है, सेम एटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देख लो ना, ये एग्जाम्पल क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों आइसोटॉप्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। इनका आपको एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है, 1 1 जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, एंड सुपरस्क्रिप्ट में 1 2 3 ऐसे दिख रहा है, तो इनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो इस चीज को ध्यान रखना, आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है आपको ये लिखना है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटम में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर को आप डिनोट करते हो बाय लेटर जेड, कैपिटल जेड। ओके, एंड मास नंबर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, व्हिच इज डिनोटेड बाय लेटर ए। मास नंबर क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्लस जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं उन दोनों का सम होता है आपका मास नंबर, और मास नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल ए से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम विद 8 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स। आपको एक एटम दिया हुआ है जिसमें 8 प्रोटॉन्स हैं एंड 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसका मास नंबर आपको बताना है। अभी हमने पढ़ा, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 दिए हुए हैं आपको, यहां पर 8 प्रोटॉन्स हैं, तो 8 प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर ही उसका 8 हो गया। अभी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको 7 दिए हुए हैं, तो मास नंबर का क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स है आपका 8 एंड न्यूट्रॉन्स है 7, 8 प्लस 7 क्या हो गया, 15। ओके, तो क्या जो आपका एटम दिया हुआ है उसका मास नंबर क्या है, 15, एंड एटॉमिक नंबर है आपका 8, ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ अ न्यूट्रल एटम ऑफ मैग्नीशियम हुज एटॉमिक नंबर इज 12। मैग्नीशियम का आपको एटम दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर आपको 12 दिया हुआ है, तो उसकी वैलेंसी बतानी है। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उस एटम की वैलेंसी होती है। तो आपको एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यानी कि 12, एटॉमिक नंबर 12 है यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 12 है। तो अब आप करोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। के एल एम शेल्स बताए थे, के एल एम शेल्स में क्या हो गया, कैसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, नेक्स्ट में 8 आते हैं, उसके बाद रिमेनिंग ऐसे आते हैं ना, तो 2 8 8 ऐसे होता है, तो 2 8 2 लास्ट शेल में देखो ऐड करो, 2 8 10 हो गए, 10 प्लस 2 क्या हो गया, 12 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपका ठीक हो गया, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं आपके, एम में 2 2 हो गए, तो वैलेंसी इसकी क्या हो गई, 2 हो गई। तो वैलेंसी क्या हो गई गाइज, इसकी 2 हो गई। इस तरीके से आप किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए उसका, और आपको लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके आपको उससे वैलेंसी पता पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड व्हाट डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन इज सीन इन द केस ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। हमने कैथोड एंड एनोड रेज पढ़ी थी, ठीक है, तो उनमें क्या डिफरेंस देखा जाएगा जब आप उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उन दोनों रेज में क्या डिफरेंस देखा जाएगा आपको ये बताना है। सो आंसर क्या होगा, व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कैथोड रेज जो होती हैं वो आपकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पता है ना, अपोजिट साइंस अट्रैक्ट करते हैं।
तो कैथोड रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, वाइल एनोड रेज जो है वो आपकी नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ कैथोड एंड एनोड रेज रोटेट अ लाइट पेडल कैप्ड बिटवीन द एनोड एंड कैथोड. अब एनोड रेज और कैथोड रेज की जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि दोनों ही जो रेज होती हैं वो अगर हम उनके पाथ में एक लाइट पैडल व्हील रख देते हैं तो वो रोटेट करने लग जाता है. सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस अबाउट कैथोड एंड एनोड रेज? तो आपको इन दोनों, इस स्टेटमेंट से क्या पता पड़ता है इन दोनों रेज के बारे में? आपको ये पता पड़ता है बोथ रेज आर मेड ऑफ मटीरियल पार्टिकल्स, कि दोनों रेज जो बनी है वो किसी मटीरियल के पार्टिकल से बनी है, इसीलिए वो लाइट पैडल व्हील जो हमने उनके रेज के बीच में रखा तो वो रोटेट कर रहे हैं. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए. अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे पहला है डिस्क्राइब थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. हमने सबसे पहला मॉडल किसका पढ़ा था? जे.जे. थॉमसन का पढ़ा था, है ना, एटम का मॉडल दिया था उन्होंने. तो क्या है वही आपको डिस्क्राइब करना है. इन दी अर्ली 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, थॉमसन प्रपोज दैट, थॉमसन ने ये प्रपोज किया, ये बताया कि एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. कि एक एटम जो होता है वो स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का. एटम एक स्फीयर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उस पॉजिटिव चार्जेस के साथ उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं. ठीक है, क्या बोल रहा है थॉमसन ने बोला कि एक एटम है जिसमें एटम जो होता है आपका एक स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और उन पॉजिटिव चार्जेस में क्या होता है, उस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं. तो उन्होंने इस मॉडल को बोला प्लम पुडिंग मॉडल. प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोला? बिकॉज इट रिसेम्बल्स अ पुडिंग इन विच प्लम्स आर एम्बेडेड. क्योंकि ये पुडिंग के जैसा लगता था, ये जो थॉमसन का मॉडल था एटम का, ये प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए कहलाया क्योंकि ये मॉडल एक प्लम की जो पुडिंग होती है ना उसके जैसा लग रहा था. जिसमें उन्होंने क्या बोला कि पुडिंग जो है पूरी वो तो एक स्फीयर हो गया जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं और उसके जो प्लम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए हम उसे प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं. He also said that positive and negative charges are equal in an atom. ये charges है, okay? तो उन्होंने ये भी कहा कि positive और negative charges जो होते हैं वो atom में equal होते हैं और इसीलिए एक atom जो होता है electrically क्या होता है आपका neutral होता है. Next question है, what conclusion did Rutherford make from his experiment about the structure of an atom? अब Rutherford ने जो अपना experiment दिया था structure of atom के बारे में, तो उससे क्या conclusions निकले, क्या result निकला, आपको वो बताना है. कंक्लूजन क्या थे रदरफोर्ड मॉडल के? सबसे पहला था मोस्ट स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. उन्होंने सबसे पहला कंक्लूजन ये दिया था कि एक एटम जो होता है उसका मोस्ट ऑफ स्पेस क्या रहता है, एम्प्टी रहता है. वो पूरा ऐसा नहीं कि एकदम अच्छे से भरा हुआ है, नहीं, उसका मोस्ट ऑफ स्पेस खाली रहता है. नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, ऑलमोस्ट ऑल मास एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इनटू इट्स सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस. उन्होंने और क्या बताया कि ऑलमोस्ट जितना भी मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है ना एटम का, वो उसके सेंटर में ही उसका फोकस रहता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस. उन्होंने ये भी बताया था, आप वीडियो देखना जिसमें सारे मॉडल्स बताए हैं. ठीक है, इस चैप्टर के सारे पार्ट्स देखना तो आपको आंसर समझ में आ जाएंगे. नेक्स्ट उन्होंने और क्या बताया, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम. एटम के साइज से अगर हम कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है. ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स मूव एट वेरी हाई स्पीड अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत हाई स्पीड पर मूव करते हैं. तो ये फोर मेन पॉइंट्स उन्होंने अपने रदरफोर्ड के मॉडल से निकाले थे, कंक्लूजन हमें ये मिला था. ठीक है, आई होप आपको दोनों मॉडल्स के बारे में समझ में आ गया, थॉमसन मॉडल भी आ गया आपको समझ में और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे क्या कंक्लूजन निकले आपको वो भी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. डेल्टन ने ये बोला था कि कोई भी कंपाउंड है तो उसमें काइंड ऑफ एटम्स कांस्टेंट होते हैं, रिलेटिव नंबर उसका कांस्टेंट होता है. जस्टिफाई दी पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन विद एग्जांपल. ये जो डेल्टन ने पोस्टुलेट दिया था वो आपको जस्टिफाई करना है एग्जांपल देकर. तो आंसर क्या आएगा, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. की किसी भी कंपाउंड में जो काइंड ऑफ एटम्स होता है, रिलेटिव नंबर होता है उसका, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. फॉर एग्जांपल क्या हो गया, वाटर विल ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो 1:8 by mass. For example, क्या हो गया इसका कि water में हमेशा hydrogen और oxygen होता है, जिसमें उसका ratio हमेशा क्या रहता है, fix रहता है 1:8 by mass. ठीक है, 1:8 होता है by mass. उसका mass क्या रहता है, हमेशा same रहता है. ध्यान रखना, mass अगर हम water के एक compound की बात कर रहे हैं तो उसमें hydrogen और oxygen हमेशा आपका 1:8 के ratio से ही क्या रहेगा, combined
रहेगा इफ दे कंबाइन इन अ डिफरेंट रेशियो। अगर ये रेशियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो एक डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। इसलिए किसी भी कंपाउंड में जो काइंड ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं, और उनका जो रिलेटिव नंबर दैट मीन्स रेशियो होता है वो भी आपका कॉन्स्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द मास एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड अ न्यूट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन तीनों का मास एंड चार्ज को कंपेयर करना है। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव सिमिलर मास। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका मोस्ट ऑफ मास जो होता है सिमिलर रहता है, आसपास रहता है। व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर फार लाइटर, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का तो बहुत दूर रहता है। मतलब जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पास पास रहता है, सेम सेम सा रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का क्या रहता है, बहुत अलग होता है इसका मास। ठीक है, अब अगर हम चार्ज की बात करें, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ डायग्राम ऑफ कैल्शियम एटम शोइंग दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दी डिफरेंट शेल्स। आपको एक डायग्राम बनाना है कैल्शियम एटम का, जिसमें आपको प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं डिफरेंट शेल्स में। ओके, तो कैल्शियम इसमें क्या होगा, तो कैल्शियम में 20 उसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 20 कैल्शियम का। तो KLMN इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। कौन सी होती है, सबसे पहले K लेयर होती है, K शेल होता है, फिर आपका L हो गया, देन आपका M हो गया, एंड देन फिर N। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, बट आपके 20 शेल्स हैं। ठीक है, वो 20 वो हो गए आपके एटॉमिक नंबर, तो किस हिसाब से डिवाइड करते हो, 2, देन सेकेंड में 8 आता है। ठीक है, 8 और 2 कितने हो गए, 10, फिर आप थर्ड में 8 कर सकते हो, फिर आपके N में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नहीं, तो यही हमको करना था, यहाँ पर हमने कैल्शियम लिखा और KLMN तीनों के शेल्स में आपने चारों शेल्स में एटॉमिक नंबर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना आपको बता रखा है चैप्टर में कैसे करते हैं, 2n² वाला फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। एन क्या होता है, नंबर ऑफ शेल, कौन सा नंबर वाला शेल है, फर्स्ट शेल है, तो n² यानी कि 1 का स्क्वायर कर देंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उतने ही आएंगे। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आपके ये हो गए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिखाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ कैन यू फॉर्मुलेट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आप कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, आपको ये बताना है और एक एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना है। तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर हो गया जितने उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ओके, मास नंबर यानी कि ए से डिनोट करते हो, मास नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम करोगे तो आपको मिलेगा मास नंबर। इसका एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, उससे आप लिख सकते हैं। ओके, ये अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। हमने शॉर्ट तो कर लिए, वेरी शॉर्ट कर लिए, अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। What are the postulates of Dalton's atomic theory? Dalton की atomic theory जो दी गई थी उसमें postulates यानी कि उन्होंने क्या क्या postulates दिए थे वो आपको बताने हैं। Matter is made up of very tiny particles called atoms. Matter जो होता है आपको बहुत छोटे छोटे particles का बना होता है, उन particles को हम atoms बोलते हैं। Atoms क्या होते हैं, आपके indivisible particles होते हैं which cannot be created or destroyed, जिन्हें आप ना तो create कर सकते हो ना ही destroy कर सकते हो। Atoms of the same elements are different in mass and properties. जो same element के atoms होते हैं, जो एटम्स आपके सेम एलिमेंट के होते हैं वो उनका मास एंड प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे तो उनका मास और प्रॉपर्टी भी डिफरेंट ही होगा, कॉमन सी बात है ना। फिर उन्होंने बताया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन होल नंबर ऑफ रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो होल नंबर में कंबाइन करते हैं रेशियोज की फॉर्म में, है ना। रेशियो होता है ना, जैसे वाटर H2O बताया था, तो उसका रेशियो क्या होता है, 1:8। तो कंपाउंड बनाने के लिए वो रेशियोज की फॉर्म में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के, ठीक है, ताकि एक कंपाउंड बन सके। और उन्होंने क्या बोला, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो रिलेटिव नंबर दैट मीन्स रेशियो होता है और काइंड ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा आपके क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। तो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी में यही पोस्टुलेट्स दिए गए थे, तो आपको ये पोस्टुलेट सारे लर्न करने हैं। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप समझ लीजिए, नहीं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप चैप्टर भी अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज, आल्सो ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। आपको कैथोड एंड एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, डिफरेंस बताना है और एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है दोनों का। ओके, कैथोड रेज में क्या था, दे कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। क्या
कैथोड रेज में क्या होती है, एक स्ट्रीम होती है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की, और उन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, दीज रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट्स व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ये रेज जो होती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जब हम इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से तो पॉजिटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट बोला, नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन दी गैस टेकन इन दी डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी आपका गैस ली गई उस पर डिपेंड नहीं करता कि कैथोड रेज का नेचर कैसा होगा। तो ये था आपका कैथोड रेज के बारे में, यहाँ पर ये ट्यूब आएगा ठीक है, और ये आपका क्या है, पूरा वेल लेबल्ड डायग्राम है। ये डिस्चार्ज ट्यूब थी आपकी है ना, और यहाँ पर लो प्रेशर पर एयर थी अंदर, यहाँ पर आपको ग्रीन ग्लो देखा गया था, डिस्चार्ज ट्यूब है पूरी। और यहाँ पर जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव वाले की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। फिर एनोड रेज की बात आती है, दे कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई होते हैं एटम्स के। दीज रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ये रेज जो थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करती थी जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते थे। नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन दी गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस डाली गई है उस पर डिपेंड करता है कि एनोड रेज का नेचर कैसा होगा। मीन्स वो चेंजिंग था एनोड रेज का नेचर। ओके, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब का, एनोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब का क्या है, डायग्राम है आपका, जिसमें हमने रेड ग्लो देखा था है ना इसमें, क्योंकि हमने परफोरेटेड कैथोड लगाई थी तो हमें बैक में क्या मिला, रेड ग्लो देखने को मिला। ये डिफरेंस था आपका कैथोड एंड एनोड रेज की प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, आल्सो स्टेट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द शेल्स। बोहर मॉडल आपको डिस्क्राइब करना है एटम का ठीक है, एटम का जो उसने बोहर मॉडल दिया था वो क्या था, और आपको फॉर्मूला भी बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए, ताकि इस एक शेल में, एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, उसका फॉर्मूला भी बताना है। ओके, तो आंसर क्या है, ही प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड इन द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल्स। बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, और उन फिक्स सर्कुलर पाथ्स को हम एनर्जी शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। There are seven such shells in the atoms which are represented by the alphabets K, L, M, N and so on, or the numbers 1, 2, 3, 4 and so on. ठीक है, उन्होंने बोला कि ऐसे ही सात शेल्स होते हैं, एनर्जी शेल्स जो होते हैं सेवन होते हैं एटम्स में, जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फाबेट K, L, M, N से, या फिर नंबर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 भी बोल सकते हो, जैसा आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं ठीक है। K, L, M, N बोलो या फिर क्या है 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ईच शेल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। आगे उन्होंने ये बताया कि हर एक शेल की अपनी खुद की फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। द क्लोजेस्ट शेल टू द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी। जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल है यानी कि के वाला, दैट मीन्स वन वाला जो शेल है उसकी लोएस्ट एनर्जी होगी, जबकि जो फार्देस्ट शेल है न्यूक्लियस से, जो सबसे दूर वाला शेल है, उसकी हाइएस्ट एनर्जी होगी। वेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन एनर्जी शेल, जब एक इलेक्ट्रॉन पहले नंबर वाले एनर्जी शेल में है, इट डज नॉट लूज एनर्जी इवन व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी लूज नहीं होगी चाहे वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, फिर भी उसकी एनर्जी क्या नहीं होगी, लूज नहीं होगी, एंड डज नॉट कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं होगा क्योंकि उनका फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, उनका फिक्स्ड पाथ है, ये उनसे अलग वो नहीं जाएंगे। ओके, एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन शेल टू अनदर, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वन शेल से दूसरे शेल में जंप कर सकता है ठीक है। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी टू जंप फ्रॉम अ लोअर टू हायर लेवल, यानी कि वन से अगर सेकंड नंबर वाले शेल में जाना है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एंड वो एनर्जी रिलीज करेगा जब वो हायर से लोअर लेवल में जा रहा है ठीक है, क्योंकि उसे कम ताकत लगेगी, हायर से लोअर में जाने में उसे कम ताकत लगेगी। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2n2। मैक्सिमम नंबर किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसे कैलकुलेट कर सकते हैं 2n2 वाले फॉर्मूला से, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल्स, जहां पर n का मीनिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल्स। ओके, तो ये पूरा बोर मॉडल हमने डिस्क्राइब कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा ठीक है, और अच्छे से समझना है तो आप चैप्टर देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है. उनके आपको यानी कि एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए. एटॉमिक नंबर से आप सारा क्लासिफाई कर सकते हो. बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना. जितने उसमें एटम्स होंगे उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे. तो सबसे पहला हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में वन होता है, ठीक है, तो वन ही हमने यहाँ कर दिया. हीलियम में टू, हीलियम का टू एटॉमिक नंबर हो गया तो फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं. थर्ड हो गया लिथियम, तो फर्स्ट शेल में कितने आते हैं, दो आते हैं एंड सेकेंड शेल में आता है एक, है ना, एक ही आएगा. वैसे एट आते हैं सेकेंड शेल में, बट आपका थ्री एटॉमिक नंबर है ना, तो फर्स्ट में टू कर दिया, बचा आपका वन, तो वन हमने सेकेंड वाले में कर दिया. ऐसे ही आप आगे के 20 एलिमेंट्स के कर सकते हैं, जो है आपके बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. ओके, तो गाइज ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अदर आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, कोई भी टॉपिक चाहिए, तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं और आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करे जाएंगे. हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. और थैंक यू.